नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिंसिपल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ रिटेल फर्म तो हमारे पास कुछ की प्रिंसिपल्स हैं जो कि एक रिटेलर को एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं फॉलो करने के लिए अगर वो उसको रिलीजियसली फॉलो करेगा तो दे कैन बी अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन और मूविंग टूवर्ड्स अ मोर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सो मैं आपके सामने वो की प्रिंसिपल जो है वो शेयर करने लगा हूँ सबसे पहला जो प्रिंसिपल हमारे पास है वो है इस रिलेटेड टू शो इंटरेस्ट इन एम्प्लॉयज़ सो एक रिटेलर को क्या मॉनिटर करना है क्या देखना है उसको ये फील करना है कि क्या उसका एम्प्लॉई इंटरेस्ट ले रहा है इन दी ऑर्गेनाइजेशन और क्या एक एम्प्लॉयर उन एम्प्लॉयज़ में इंटरेस्ट ले रहा है डू दे हैव गुड रिलेशनशिप बिटवीन अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि एक रिटेलर जो है वो एक बहुत पॉजिटिव जर्नी की तरफ जा रहा है उसकी रीज़न ये है कि रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ सबसे की बंदा जो सबसे की पर्सनैल जो मौजूद है वो आपका एम्प्लॉई है बिकॉज ही इज़ इंटरैक्टिंग विद द कस्टमर ही इज़ एक्चुअली द फेस ऑफ द रिटेलर इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर तो वो अगर बुरा फेस होगा तो द कस्टमर विल गेट बैड इमेज वो अगर अच्छा फेस होगा सो द कस्टमर विल गेट गुड इमेज आउट ऑफ इट तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि यू यू नीड नीड टू टू सी सी कि क्या इंटरेस्ट इन इंप्लाइज है या नहीं है और यू नीड टू रियली शो रिटेलर के वाकई आई है लेटनेस एंड एबसेंटिज्म कितनी ज्यादा है आपकी इंप्लाइज की एबसेंटिज्म और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉ टर्न ओवर कितना है हाउ फ्रीक्वेंटली हाउ फ्रीक्वेंटली द दम्प्लॉयज़ आर लीविंग योर ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर लोग लेट आ रहे हैं इसका मतलब है कि लोग कनेक्टेड नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लोग इंगेज नहीं है लोग मोटिवेटेड नहीं है और अगर ऐसा है तो एक बहुत ख़तरनाक बात है एक रिटेलर के लिए हम किसी भी रिटेल uh, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें किसी भी जियोग्राफी के अंदर बात करें वो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान से बाहर है वहाँ पर द इम्प्लॉ रिमेन्स द सेम द बिहेवियर कैन चेंज लेकिन ऑफ कोर्स द इम्प्लॉय विल हैव सर्टन बिहेवियर तो अगर वो इम्प्लॉई एक का बिहेवियर लेट आने का है एबसेंटिज्म की तरफ है बार बार वो छुट्टियाँ कर लेता है बगैर बताए और बताए इन्फॉर्म्ड और नॉट इन्फॉर्म्ड या एम्प्लॉयज फ्रीक्वेंटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं द टर्न ओवर इज हाई इसका मतलब है देर इज समथिंग वेरी सीरियस अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन तो एक रिटेलर को फॉरन रेड लाइट अलर्ट हो जानी चाहिए एंड देन ही नीड टू टेक क्विक एंड इमीजिएट एक्शन थर्ड बात ट्रेस लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिकॉज द बिजनेस इज वेरी फास्ट तो क्या करना है रिटेलर को दे हैव टू रियली डिफाइन ऑफ अथॉरिटी सो एवरी वन शुड नो के उसकी क्या अथॉरिटी है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आपको डिसीजन बहुत क्विकली लेना है बहुत टाइमली लेना है अदरवाइज यू विल लूज योर बिजनेस यू विल लूज योर कस्टमर एंड ऑन टॉप ऑफ इट आपका जो इमेज और पैटर्निज है दैट विल बी डिस्ट्रॉयड एंड डिस्टर्ब्ड देन लिमिट स्पैन ऑफ कंट्रोल सो यू हैव टू डिफाइन किस किस का स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है मीन्स एवरी वन कैन नॉट बी दी ई ओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एवरी वन कैन नॉट बी द स्टोर मैनेजर ऑफ़ द रिटेल ऑफ द रिटेल स्टोर तो अगर हम रिटेल स्टोर इन्वायरमेंट के अंदर बात करेंगे तो ऑफ कोर्स जो जनरल मैनेजर स्टोर ऑपरेशन होगा उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल वुड बी होल्ड स्टोर होगा और अगर हम बात करेंगे किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मैनेजर की तो उसका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा दैट वुड बी अ पर्टिकुलर सेट ऑफ डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट तो आपको एज ए रिटेलर लिमिट करना है स्पैन ऑफ कंट्रोल को आइडेंटिफाई करना है कि इसका क्या रोल है और अकॉर्डिंगली आप उसकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटीज डिफाइन करेंगे देन यू नीड टू एम्पावर योर इम्प्लॉयज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट की प्रिंसिपल अगर आपके आपकी स्पेशली द फ्रंट डेस्क इंप्लॉयज इफ दे आर नॉट एम्पावर्ड देन इन एनी केस यू विल नॉट बी इन ए पोजिशन टू टेक द लीड फ्रॉम योर कॉम्पिटिशन देन नेक्स्ट पॉइंट इज डेलीट अथॉरिटी वाइल मेनटेनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बार बार एक ही बात जो है वो करता हूँ अक्सर कि केन इट इज़ अबाउट द रिस्पांसिबिलिटी इट्स इज एक्चुअली अबाउट द अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबल करेंगे तो वो अकाउंटेबल भी है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेलीगेशन ऑफ टास्क बहुत की बात है दैट यू हैव टू डेलीगेट बिकॉज यू कैन नॉट बी इन द रिटेल इन्वायरमेंट योर सेल्फ 24 hours so you have to go you have to eat food you have to uh, sleep so again you have to delegate some authority to someone while maintaining the responsibility matrix the accountability matrix then acknowledge need for coordination and communication again one of the key principle koi gap in coordination and communication agar if there is some gap to utna hi zada और उतना ही क्विक प्रॉब्लम्स जो है वो जनरेट होंगी लास्ट प्रिंसिपल यू नीड टू रिकग्नाइज द पावर ऑफ इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स। अच्छा रिटेल के अंदर वन ऑफ द की पार्ट इज द इनफॉर्मल रिलेशनशिप आपका जो इंप्लॉई जो के फ्लोर के ऊपर कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहा है वो आठ घंटे दस घंटे बारह घंटे की ड्यूटी कर रहा है शिफ्ट कर रहा है और ऑफिशियली और अनऑफिशियली तो ही हैज सम फैमिली उसके भी कुछ सोशल नेटवर्क है सोशल सर्कल है तो यू नीड टू बिल्ड सम इनफॉर्मल रिलेशनशिप विद योर एम्प्लॉय क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर इफ इट इज डिस्टर्ब फ्रॉम सम ऑफ द फैमिली मेंबर बाय थ्रू सम ऑफ बाई फैमिली मेंबर या किसी सोशल कॉन्टेक्ट के थ्रू तो वो जो इन फॉर्मल रिलेशनशिप आपका जो उसके साथ है अगर वो शेयर नहीं करता आपके साथ तो उसकी ये बात उसकी परफॉर्मेंस में नजर आएगी तो यू शुड हैव लेट्स से गपशप सेशन जिसको हम लोकल लैंग्वेज के अंदर के हम ऑफिस के बाहर भी वी कैन हैव सम लंच वी कैन दे हैव देव डिनर सम टी विद द एम्प्लॉई टू बिल्ड मोर इनफॉर्मल रिलेशनशिप जो कि एक्चुअली पूरी बेस मैं समझता हूँ फ्रॉम द रिटेल एक्सपीरियंस के बेस है एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मल रिलेशनशिप तो ऑफकोर्स एवरी वन विल कम्प्लाई टू दैट बट इन फॉर्मल रिलेशनशिप विल बी की टू द सक्सेस फॉर द रिटेलर आई मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर इफ यू विल ऑब्जर्व कि ये जो टॉप मैनेजमेंट में लोग हैं दे आर एक्चुअली इन द ड्राइविंग सीट तो ये ही लोग एक्चुअली इस इनफॉर्मल रिलेशनशिप के थ्रू अपने तमाम स्टाफ के साथ कनेक्ट रह सकते हैं तो ये वो की प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर अगर एक रिटेलर एक अमल करता है एक फोकस करता है इसको बेस बनाता है सो दे कैन रियली ग्रो एन एक्सेल टू एनी लेवल जो कि कोई भी बिजनेस जो है वो ड्रीम करता है या विजन करता है